के साथ करते हुए पीपल एंड एथिकल कमिटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 8 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 2 डॉक्टर्स का 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। कमिटी के समक्ष कुल 25 मामले रखे गए थे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो झुंझुनू में किडनी निकालने के मामले में भी कार्रवाई की गई। डॉक्टर संजय धनखड़ का भी रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लापरवाह डॉक्टरों पर गाज गिरी है। जहां पर पीपल एंड एथिकल कमिटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 8 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द और कई और बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जो विवादित डॉक्टर्स होते हैं, जिनके प्रकरण आते हैं, उन पर एक पिनल एंड एथिकल कमेटी होती है, वो निर्णय लेती है। और उसमें ये जो धनखड़ अस्पताल जो झुंझुनू का है, उसमें जो किडनी निकालने का मामला सामने आया था, उनके जो डॉक्टर हैं संजय धनखड़, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त वो कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा 7 अन्य डॉक्टर्स के भी रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त किए गए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो 7 डॉक्टर हैं, ये 7ों के 7ों इन्होंने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि 2 डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर गणपत चौधरी और एक डॉक्टर जयदीप सिंह, ये 10 सालों से सरकारी नौकरी में थे। ये बहुत चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आई। हालांकि राजस्थान मेडिकल काउंसिल अब राज्य सरकार को लिखेगा कि इस मामले में किस प्रकार की और कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार की इनके पास शिकायत आई थी, उसके बाद इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिए। ये बड़ा सवाल है सौरभ। हालांकि कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन अब डिटेल जांच जरूरी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए ये दाखिल हुए और कई सालों से मेडिकल के फील्ड में सेवाएं भी दे रहे थे। अब सवाल ये है कि कौन कौन इसमें संलिप्त है। जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कैसे यहाँ पर फर्जी रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया और उसके बाद सरकारी नौकरी का उपयोग करते रहे। तो संभवतः अगर राज्य सरकार सख्त रुख लेती है तो इनकी रिकवरी भी जो है वो की जाएगी। 10 साल से इन्होंने जिस प्रकार से वेतन उठाया है और किस प्रकार से इन्होंने घालमेल की है, उन तमाम चीजों पर जांच होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब ये डॉक्टर जो है वो मरीजों को जो है वो नहीं देख पाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। चूंकि कई ऐसे डॉक्टर पाए गए हैं सौरभ, जो कि फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए दाखिल हुए हैं, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या और भी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मौजूदा में कार्यरत हैं लेकिन वो फर्जी तरीके से दाखिल हुए हैं। देखिए, चूंकि जैसी जैसी शिकायत आती है राजस्थान मेडिकल काउंसिल पर के पास, उसके बाद यहाँ पर 25 डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है, वो तमाम शिकायतों को देखता है, जांचता है, उनके दस्तावेजों को जांचता है, उसके बाद कार्रवाई जो है वो की जाती है। लेकिन ये जिस प्रकार से डॉक्टर गणपत चौधरी हो, डॉक्टर मोहम्मद साजिद हो, डॉक्टर मोहम्मद अफजल हो, डॉक्टर कृष्णा सोनी हो, डॉक्टर बोम्बा रेड्डी हरिकृष्णा हो, डॉक्टर जयदीप सिंह हो, डॉक्टर बलजीत कौर हो, इन तमाम लोगों का जो है वो रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है, क्योंकि इनके दस्तावेज जो है वो फर्जी जो है वो पाए गए हैं। दिल्ली से भी ये फर्जी दस्तावेज लेकर आए और राजस्थान में भी इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्रेशन, ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया बल्कि 2 ने तो सरकारी नौकरियां भी ले ली। तो उस पर जो है वो बड़ी कार्रवाई राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा जो है वो की गई है। एक बड़ी बात आप बता रहे हैं सौरभ कि दिल्ली से भी फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया, कुछ लोगों ने राजस्थान से कराया। ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले पर डिटेल जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सभी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर राजधानी में पलायन की साजिश वाली। पलायन कमजोरों की नियति कही जाती है, लेकिन राजधानी जयपुर के किशनपोल ब्रह्मपुरी के बाद अब भट्टा बस्ती के हिंदू परिवार पलायन को मजबूर है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। कर रहा है सरपंच जी काटे पुलिस तो जिन्हें की और जो कहा दबंगी तो सरपंच ही करना चाहता 7 साल जिन्हें सरपंच ही नहीं गया कि जिन्हें करी जैसी वास्तव की बात कर रहे हैं कि हमें आदमी पति को बहुत परेशान कर मार पीट करते। जयपुर के बाशिंदों की सरकार से गुहार। भट्टा बस्ती में गैर हिंदू ने जीना किया दुश्वार।
बहन बेटियों का राह चलना हुआ दूभर। प्रशासन हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही, हमने 3 बार एप्लीकेशन दे दी। अभी 2 दिन पहले इस मकान के अंदर पत्थरबाजी हुई है। अच्छा। 11 रात को 11 बजे आते हैं। पुलिस ने पकड़ा लोगों को? कुछ नहीं पकड़ा, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है, प्रशासन सुन ही नहीं रही है हमारी। हम कहाँ जाए बताओ, हम कहाँ जाए? अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी, हमारे 8 दिन का टाइम दिया, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस से मदद की हर फरियाद गई बेकार, पुरखों की जमीन से पलायन को हुए मजबूर। राजधानी में हिंदू परिवारों का पलायन। राजधानी जयपुर के भट्टावस्ती इलाके में मकान बेचने को लेकर के एक मामला गरमाया। यहां पर आज सवेरे एक मकानों के बाहर एक पोस्टर लगे नजर आए, जिसमें अपील की गई कि सनातनियों से अपील की गई और पलायन को रोकने की अपील यहां पर की गई, जिसके बाद ये पूरा जो मामला था वो पुलिस तक पहुंचा। आज सवेरे इस कॉलोनी की जो जितने भी मकान थे, ज्यादातर मकानों के बाहर ये इस तरह के पोस्टर लगाए। जी हाँ, सनातनियों से गैर हिंदुओं को मकान नहीं बेचने की अपील करते ये पोस्टर बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसे देखने सुनने और जानने की जरूरत है। हमारी लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, हम लोग नहीं निकल सकते। पलायन की बात इसमें कही गई है। हाँ। क्या है वजह पलायन की? प्लान ये है, लोग बाग मकान बेच बेच के जा रहे हैं, अब अन्य जाति को दे रहे, हम सनातन को दो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, सनातन को दो, कोई दिक्कत नहीं है। मकान के बाहर चस्पा ये पोस्टर बहुसंख्यक आबादी की बेबसी बयां करते हैं। आगे की कहानी उन मजलूमों की जुबानी जिनकी हर सांस पर खौफ भारी है, जिनकी बहन बेटी जब दहलीज लांघती है तो उनकी सांस तब तक हलक में ही अटकी रहती है जब तक उनकी लाडली सुरक्षित घर नहीं लौट आती। बच्चियां रात तो छोड़ो, दिन में भी नहीं निकल पा रही है। यहाँ पास में सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में से बच्चों की छुट्टी होती है, गाड़ी लगा लेते हैं, बच्चों से छेड़छाड़ करते हैं। मकान को यही के ही है, बाहर के भी है, यहाँ के भी है। भाई बेचने वाले जो बाहर का कोई आ रहा है, मकान का पूछ रहा है, मकान का ज्यादा पैसे का लालच दे के मकान बेच रहे। लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस उनकी एक नहीं सुनती, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपने घरों के बाहर पलायन करने वाले पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। वैसे जैसे ही भट्टाबस्ती थाना पुलिस को पोस्टर की जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और पोस्टर को हटाया। थाना अंतर्गत गांव कौथर है, वहाँ के सरपंच हैं, वो जनपद पंचायत पोर्सा आए थे किसी काम से, ये 3 तारीख की घटना है, और उसी दौरान उनका जो है गांव के जो अन्य लोग हैं उनसे विवाद हुआ, उन गांव के लोगों के द्वारा इनके साथ जाति सूचक गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। उस पर से इन्होंने 6 तारीख को ये थाने में आवेदन दिया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें SC/ST एक्ट के तहत तमाम जो विधिसम्मत धाराएं उनका अपराध पंजीबद्ध कर लिया। लोगों का कहना है कि यहां करीब 50 से ज्यादा मकान हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में धीरे धीरे लोगों ने मकान बेच दिए। यहां अब करीब 15 मकान ही हिंदुओं के बचे हैं और उसे भी लोग बेचने को मजबूर हैं। सचमुच जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं, उसे शौक से भला कौन बेचता है, और वो भी औने पौने दामों पर। इसीलिए भट्टा बस्ती के लोगों की परेशानी को सुनने और हल करने की जरूरत है। आज ही जो पूरा मामला था पोस्ट लगने के बाद भट्टा बस्ती थाना तक पहुंचा है, उसके अलावा जो कमिश्नर के आला अधिकारी है वहां तक भी पहुंचा है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से या फिर जिला प्रशासन किस तरीके से आने वाले वक्त में इस पलायन को रोक पाएगा या फिर इन लोगों की जो शिकायत है उसको दूर करने में काबिल सक्षम होगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, News18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करेंगे एक और माननीय को धमकी वाली खबर की। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत को जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले कुछ समय से बीजेपी के आदिवासी नेताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बाद अब सांसद मन्नालाल को जान से मारने की धमकी मिली है। नव निर्वाचित सांसद को धमकी। मन्नालाल रावत को जान से मारने की धमकी। बहुत जल्द उदयपुर में भी रगड़ा निकाल दिया जाएगा। केस दर्ज,
जांच शुरू। बहुत जल्द उदयपुर में भी रगड़ा निकाल दिया जाएगा, याद रखना मन्नालाल, बहुत जल्द तुम्हारी वाडिया उठने वाली है। जय जोहार, जिंदाबाद। देखने सुनने में भरे ये शब्द बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं सुनाई या दिखाई पड़ेगा, लेकिन जिस शख्स के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो इस देश का आम आदमी नहीं बल्कि मुल्क की दशा दिशा तय करने वाला शख्स है। नाम है मन्नालाल रावत। उदयपुर के नव निर्वाचित सांसद मन्नालाल रावत को जिन शब्दों में धमकी दी गई है वो इस शब्द के आम आदमी को सोचने पर भी मजबूर करता है। जब माननीय सांसद की यह हालत है तब आम आदमी की क्या बिसात। एक यूट्यूब चैनल के कमेंट में कोई दो लोग हैं जिन्होंने अनर्गल बातें की हैं, धमकी भरी बातें की हैं, और माननीय सांसद जी हैं कंगना रनौत जी, उनके साथ पिछले दिनों किसी ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, उसकी तुलना करते हुए बोल रहे हैं। बहरहाल मन्नालाल रावत को कंगना रनौत के मामले से जोड़कर धमकी दी गई है। एक YouTube चैनल के कमेंट में ये धमकी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दो लोगों ने धमकी दी है जिसमें कानूराम मीणा और कुनी भगोरा के सोशल मीडिया हैंडल सामने आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुनी भगोरा धरियावत से बाप बाटी के विधायक थावरचंद के पीए के रूप में काम करता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आदिवासी पार्टी से जुड़े लोगों का इसमें रोल हो सकता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मंत्री बाबूलाल खराड़ी को भी बाप पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ने ही धमकी दी थी। दरअसल बीजेपी से जुड़े आदिवासी नेता आदिवासी समाज को हिंदू धर्म का अंग बताते हैं, लेकिन आदिवासी पार्टी से जुड़े लोग आदिवासी समाज को हिंदू धर्म से अलग बताते आए हैं। इसी विचारधारा को लेकर आदिवासी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। जाहिर है ये धमकी इसी परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है। धमकी की जानकारी के बाद भी सांसद मन्नालाल रावत अपने नित्य दौरे जारी रखे हुए हैं। हालांकि मन्नालाल रावत को यह आशंका है कि यह किसी का षड्यंत्र हो सकता है। हमने ये विषय भेज दिया है यहाँ के उदयपुर के एसपी साहब को, और उन्होंने कहा हम त्वरित गति से जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से पता कराते हैं और कार्रवाई कराएंगे। मुझे लगता है हम सभी सावधान रहें कि इस तरह के तत्व जब भी जानकारी में आए तो शासन का प्रशासन का साथ दें और ऐसे लोग हतोत्साहित होने चाहिए। इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी दी गई है। साथ ही उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने भी प्रसंज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। देखिए माननीय एमपी साहब उदयपुर को किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ट्विटर के अकाउंट के माध्यम से अशोभनीय भाषा में धमकी दी गई है। उक्त कंप्लेंट मुझे अभी माननीय एमपी साहब द्वारा फोन से अवगत कराई गई है। इस संबंध में मैं कॉग्निजेंस लेके तुरंत उस व्यक्ति के बारे में जानकारी कर रहे हैं और अब उस व्यक्ति के विरुद्ध हम नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने उदयपुर लोकसभा सीट पर अर्जुन लाल मीणा को टिकट काटकर मन्नालाल रावत पर बड़ा दांव खेला था जिसमें वो पास भी हो गए। मन्नालाल रावत ने कांग्रेस के ताराचंद मीणा को 2,61,000 वोटों से हरा दिया। यह आंकड़ा सभी को चौंकाने वाला था क्योंकि ये यहाँ सबसे नया चेहरा है। वैसे मन्नालाल रावत सियासत में भले नए हो, वो सेवानिवृत्त अपर परिवहन आयुक्त के तौर पर सरकारी सेवाएं दे चुके हैं। माना जा रहा था कि इस सीट पर बीटीपी का ज्यादा दबदबा है और उसे पार पाने के लिए मन्नालाल रावत पर दांव खेला गया था। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन नव निर्वाचित सांसद को मिली धमकी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात प्रदेश के दो सांसदों की करेंगे। राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल इन दिनों चर्चाओं में हैं। दोनों ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। ये अटकलें हैं कि दोनों पाला बदल सकते हैं। इन दोनों के पाला बदलने की अटकलें आखिर हो क्यों रही हैं? इस रिपोर्ट में देखते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराकर बड़ी जीत दर्ज करने वाले भारत आदिवासी पार्टी बीएपी सांसद राजकुमार रोत इन दिनों काफी चर्चा में। एनडीए की सरकार बनने के बाद कुछ दिन पहले चर्चाएं चली थी कि राजकुमार रोत एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अभी ये कयास थमे नहीं थे कि एक बार फिर इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे। इसकी फोटो भी जारी हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन राजकुमार रोत से कई बार एनडीए में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया है, जिसमें वो कह चुके हैं कि वो स्वतंत्र ही काम करेंगे। अभी तक जो स्थिति है, औपचारिक रूप से मेरा फर्ज बनता था, मैं मुलाकात हुई इंडिया गठबंधन के कई साथियों से, मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, खड़गे जी से मुलाकात हुई, लेकिन ऑल ओवर ये है कि अभी वर्तमान में हम स्वतंत्र हैं और जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा इंडिया अलायंस के साथ। ये दोनों ही लोग एक तरह से फ्री हैं, लड़े कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े हैं। नागौर से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म। इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल ने चुनाव रिजल्ट के महज दो दिन बाद अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया था। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उनके कारण कांग्रेस को राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव में काफी फायदा हुआ है, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठकों में बुलाया नहीं गया, इसी कारण वो कांग्रेस से नाराज है। हालांकि उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो इंडिया गठबंधन से दूर नहीं हो रहे हैं। इंडिया अलायंस बहुमत के अंदर आया नहीं, उससे पहले ही मैं भूल गया, अगर बहुमत में आ जाता तब क्या होता, ये तकलीफ थी भाई, इसलिए मैंने कर ये बात। बेनीवाल के कांग्रेस पर हमले को देखकर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेनीवाल को फोन कर उन्हें मनाया। इसका खुलासा खुद बेनीवाल ने किया। इस दौरान खड़गे ने बेनीवाल को अगली बैठकों में बुलाने का आश्वासन भी दिया। खड़गे के आश्वासन के बाद बेनीवाल का गुस्सा कुछ कम हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने फोन पर बात की। वेणुगोपाल ने बेनीवाल से मिलकर भाजपा और एनडीए के खिलाफ संघर्ष करने को लेकर आग्रह की। खड़गे साहब के ऑफिस से सारा काम होता है, तो उनके ऑफिस से कल शाम को जब ये खबर चली तब फोन आया था। मैंने कहा मैं आपके साथ, तो आप निश्चित रहे, मेरा वोट आपको इंडिया अलायंस के खाते में जोड़ लें। अगले कुछ महीने देश और राजस्थान की सियासत के लिए बहुत अहम होंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की कही बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में बेनीवाल को कहीं महत्व नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। वहीं राजकुमार रोत को भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता का साथ चाहिए। ऐसे में देखना होगा हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन का साथ आएंगे या कुछ अलग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो क्या रोत और बेनीवाल पाला बदलेंगे? नाराजगी बहाना क्या पाला बदलना निशाना है? इसी पर देखिए प्राइम डिबेट, सियासी रण क्या फिर बदलेंगे समीकरण। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसद महिमा कुमारी आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सांसद कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और उनकी जीत में छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं का अहम योगदान है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम सबने इतनी मेहनत की और जब आदमी मेहनत करता है और सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरे हमारे जितने भी राजसमंद परिवार है उनकी मेहनत है, उनका प्रेम स्नेह है, और जितने हमारे विधायक गण हैं आपको और जितने भी हमारे कार्यकर्ता गण है नीचे से लेके ऊपर, बूथ से लेके ऊपर तक, सबने इतनी मेहनत की, तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए खुशी का दिन है और ये भी दिन है कि हमको मेहनत करनी है।
और अब बात आतंक के खिलाफ आक्रोश की करेंगे। 9 जून को जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर हुए प्रदर्शन, आतंकी हमला और इसमें कई लोगों की मौत, मामले को लेकर प्रदर्शन न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में किया जा रहा है। हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए और इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में BHP और बजरंग दल ने हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए अब एक बार ऐसा वापस ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए और घाटी के अंदर कश्मीर के अंदर पूरे आतंकवादी से मुक्त किया जाए। खरपतवार और जड़ों को निकाल कर फेंकने की आवश्यकता है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर में रियासी टेरर अटैक के खिलाफ BHP और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। कई दिन बीत जाने के बाद भी देश आज भी उस दर्द को भूला नहीं है जब जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर कायर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें देश के 10 लोगों ने जान गंवा दी। देश के लोग आग बबूला, दहशत गर्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें झालावाड़ की है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर आतंकवाद का पुतला फूंका, साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आज पूरे भारत के अंदर आंदोलन करके आतंकवाद का पुतला जला रहे हैं। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, पूरी कश्मीर घाटी के अंदर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और उसके माध्यम से पूरे आतंकवादियों को समाप्त किया जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हनुमानगढ़ और बीकानेर से भी सामने आई, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस तरह की आतंकी घटनाएं किसी जमाने में भयंकर रूप से और लगातार होती थी, इन्होंने दोबारा इस तरह की घटनाएं चालू की है, इसका हम विरोध करते हैं। समस्त हिंदू समाज में रोष व्याप्त है और हम चाहते हैं कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जल्द से जल्द इनके ऊपर काबू पाया जाए। इस तरह की जो देश विरोधी जो तत्व है देश के अंदर, उनको छान करके उस देश से मिटाया जाए। हमले के विरोध में कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में दौसा और अजमेर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर DM को ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की कि जिस तरीके से भक्तों से भरी बस पर हमला किया गया है, सरकार आतंकियों को सबक सिखाए। ये इस बात के लिए या आंदोलन और बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि केंद्र सरकार से सुनिश्चित कराए कि जेहादी आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून का निर्माण कराए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। रियासी टेरर अटैक के खिलाफ BHP और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन जयपुर और जोधपुर में भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले को लेकर के पूरे प्रदेश में रोष की स्थिति है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं ने आज यहां आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन करके अपना विरोध जताया है। 9 जून को जम्मू कश्मीर में बस पर आतंकी हमले के बाद से अब तक आतंकी 3 हमले कर चुके हैं। ऐसे में वक्त है कि आतंकियों का हिसाब किया जाए, ताकि सड़कों पर विरोध के रूप में उपजा गुस्सा शांत हो सके और आतंकियों को संदेश दिया जाए कि भारत पहले छेड़ता नहीं है लेकिन फिर छोड़ता भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो वहीं SI भर्ती 2021 का पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड आखिरकार गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार आरोपी ने ही पौरव गैंग को पेपर की फोटो भेजी थी और हिंदी और GK का पेपर लीक किया था। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में SI भर्ती पेपर लीक मामले में SOG को बड़ी सफलता मिली है। SI भर्ती परीक्षा 2021 के हिंदी और जनरल नॉलेज के पेपर को लीक करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजू मैट्रिक्स ने ही
पौरव कालेर गैंग को पेपर की फोटो भेजी थी। इससे पहले शुक्रवार को 3 ट्रेनी एसआई समेत पेपर लीक करने वाले और पेपर सॉल्व करने वाले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि पौरव कालेर गैंग ने 13 सितंबर 2021 को बीकानेर की राम साहे आदर्श सेकेंडरी स्कूल से हिंदी और जीके का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक कर दिया था और पेपर को सॉल्व कराकर 10-10 लाख में भेजा था। अब पौरव कालेर की गिरफ्तारी के बाद से एसओजी उसके गैंग के सदस्यों को भी एक एक कर पकड़ रही है। गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड राजू मैट्रिक्स स्कूल संचालक दिनेश सिंह चौहान का परिचित था। राजू ने संचालक को दोनों पेपर के 10 लाख रुपए दिए थे और पेपर को स्ट्रॉन्ग रूम से परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने के दौरान ही पेपर के मोबाइल से फोटो लिए थे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 13 सितंबर को पाली के एक सेंटर में राजेश बेनीवाल के मोबाइल में हिंदी का सॉल्व पेपर एक पर्यवेक्षक ने देख लिया। इसके बाद पर्यवेक्षक की शिकायत पर राजेश की गिरफ्तारी हुई। वही सेंटर के बाहर से उसके साथी नरेंद्र खीचड़ को भी गिरफ्तार किया गया। तब नरेंद्र खीचड़ ने अपने चाचा नरेश दानचारण से पेपर खरीदना बताया। पाली पुलिस की सूचना पर बीकानेर पुलिस ने नरेश दान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो राजू मैट्रिक्स का नाम सामने आया। पेपर लीक का एक और मास्टरमाइंड तुलछाराम कालेर की पत्नी नविता खोखर एडिशनल एसपी है। तुलसाराम तुलछाराम में चाणक्य कोचिंग सेंटर चलाता था। फिलहाल राजू मैट्रिक्स एसओजी की पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और फिलहाल यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।